थोड़ा तेज बोलो ना। तो मैं अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति आपके सामने रख रहा हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ और मात्र 29 वर्ष की आयु में पार्टी ने मुझे विधायक चुनाव लड़ाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का महामंत्री बनाया। मेरा भाषण देख करके मुझे प्रदेश का प्रवक्ता बनाया। आईटीडीपी खंडवा बुरहानपुर का चेयरमैन बनाया। आज सैकड़ों करोड़ रुपए की राशि दोनों जिलों में मैंने वितरित की। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का सदस्य बनाया, जिसके माध्यम से हम पेशा कानून लाए। वन्य प्राणी बोर्ड का सदस्य बना, ऑस्ट्रेलिया से चीते आए। माध्यमिक शिक्षा मंडल का सदस्य बनाया, हमने नई परिपाटी रखी और प्रदेश स्तर पर कई सारे बड़े फैसले करे। कृषि विकास समिति का सदस्य बनाया, इससे 14 विभागों की कमिश्नरी पावर मिली और कई सारे प्रदेश स्तरीय हमने बड़े फैसले लिए। पुस्तकालय प्रलेखन विभाग का सदस्य बनाया, वहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त करी। तकनीकी शिक्षा का प्रदेश का सदस्य बनाया, उसमें बहुत सारे बदलाव किए और भोपाल जैसी राजधानी वहां के संभाग का प्रभारी बनाया। अब अगर इतनी कम उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारियां दी और इसके बाद में अगर व्यक्ति ये कहे कि काम नहीं करेगा तो ये गलत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सब सीखा, छात्र राजनीति की, वनवासी कल्याण आश्रम में काम किया, बच्चों को पढ़ाया और आज पार्टी ने इस मुकाम पर पहुंचाया कि मान सम्मान पावर सब कुछ मिला है। टिकट कटना या मिलना, इससे किसी का भविष्य तय नहीं होता। भले क्रिकेट में मुझे बैटिंग नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे फील्डिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का वो फील्डर हूं कि मैं जहां खड़ा होऊंगा वहां सामने वाले को परास्त करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। कौन कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, इसकी बजाय हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि पूरी 47 आदिवासी सीटों के ऊपर मैं प्रचार करने के लिए जा रहा हूं। उसके बाद भी पार्टी मेरा हाथ थाम करके रखी हुई है। प्रदेश के बड़े पदाधिकारियों से मेरी रोज बात हो रही है, मेरे सम्मान में कोई कमी नहीं रखी जा रही है, ना पहले ना आज मुझसे किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि कई बार जिम्मेदारियों पर रहने के बाद में आदमी बोल नहीं पाता है, किसी से लड़ नहीं पाता है, अपना दुख व्यक्त नहीं कर पाता है। मुझे खुशी है कि किसी और को मौका मिला और वहां की परंपरा भी कायम रही। मैं पार्टी का काम करूंगा और बड़ी शिद्दत से काम करूंगा, लेकिन पंधाना के साथ साथ यहाँ की बाकी चारों विधानसभा और पूरी 47 आदिवासी विधानसभाओं पर मेरे दौरे होंगे। आपने ये दावा किया था कि आपने 6000 करोड़ रुपए काम लाए,
क्या आपको लगता है पार्टी आपके इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं थी, और लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया, आपने प्रयास किया, आपने भोर की चर्चा शुरू की, लोगों से कनेक्टिविटी रखी, आपने बहुत सारी नई नई चीजें भी की पंधाना में, पर ऐसी क्या कमियां रह गई जो आपके हिसाब से जनता जानना चाहती है, सब जानना चाहते हैं, कि जिसके कारण पार्टी को निर्णय लेना पड़ा कि अब जो है किसी और को मौका देना चाहिए? मैं बीटेक हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, मैं एमटेक हूँ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, मैं पीएचडी कर रहा हूँ फूड प्रोसेसिंग से, और शहर में रहा और शहर में सभी वर्गों के लोगों के साथ में रहा, उनके साथ में उठा बैठा और नया डेवलपमेंट क्या कर सकते, तो चूंकि टेक्निकल व्यक्ति हूं मैं, इसलिए स्थानीय स्तर में मैंने चापलूसी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान दिया डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि वो काम करने में मुझे अच्छा लगता है जो किसी ने नहीं किया। मैंने सेवा का काम किया। चापलूसी से टिकट का कोई लेना देना नहीं, चापलूसी से टिकट का कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं ग्राउंड पकड़ करके रखता हमेशा, ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र में नहीं गया, किसी गांव में 5 बार भी गया हूं, किसी गांव में 25 बार भी गया हूं, किसी गांव में 40 बार भी गया हूं, लेकिन अगर मैं टिकट के लिए दौड़ता, हर व्यक्ति के घर घर जाकर के मनाने के लिए जाता, तो उस क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं कर पाता। आज इतना बड़ा फंड अगर मैं इसके बारे में बताता हूं तो मंच पे से मैं चैलेंज भी देता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करा इतना काम, मैं चैलेंज देता हूं कि जो 1 रुपया भी कम करके बताएगा 6,500 करोड़ में, उसको 1 लाख रुपए पुरस्कार। आप एक बात बोलते थे हमेशा कि 6,500 करोड़ के पूरे टेंडर लग चुके हैं, मेरे जितने काम थे पूरे टेंडर लगे, उसके बाद में मैंने बोलना चालू करा। मेरे साथ में समस्या यह आई कि शुरू में 6 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पूरे आंदोलन में समय निकला, 2 साल कोरोना था, अस्पताल अस्पताल हम लोग भटकते रहे, लोगों को खाना पहुंचाना, दवाई पहुंचाना, लोगों को अस्पताल पहुंचाना, अस्पताल से घर लाना, कोरोना को लेकर के सबको जागरूक करना, उसके बाद में चुनावी समय में आखिरी के 4-6 महीने तो चुनाव में निकल जाते हैं, हमको 1.5 साल 1.5 साल मिला, लेकिन जैसे ही सरकार आई थी तो हमने पूरे प्रोजेक्ट बना करके तैयार रख दिए थे और हम उनके ऊपर काम करना हमने चालू कर दिया था। आखिरी के 1.5 साल में हमारे पूरे 6,500 करोड़ के प्रोजेक्ट पास हो गए, उनके टेंडर मिले। ये तो आपने कई बार बता दिया विधायक जी, आप ये बताओ कि आपको ऐसा क्या लगता है किस कारण से आपका टिकट कटा? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग जानना चाहते हैं, हमें भी फोन आते हैं भैया पूछो कि जब इतना काम किया, इतना सब कुछ हुआ तो टिकट। आप एक बात और बोलते थे कि दलाल लोग वहां पे बहुत सक्रिय है, जिन्होंने एक लॉबी बना रखी है, आपने उन दलालों की लॉबी को तोड़ा, क्या वो लॉबी इतनी पावरफुल है आपकी भाजपा सरकार में जो दलाली भी करती है और विधायकों के टिकट भी कटवा देती है? क्या आपको लगता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपका टिकट कटवाया? भारतीय जनता पार्टी की टिकट देने की अपनी रणनीति, पार्टी को अगर ऐसा लगा कि इसके स्थान पे किसी को देना चाहिए तो पार्टी ने दे दिया, पार्टी का निर्णय स्वीकार्य है। अब वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं ना उनसे जानना चाहता हूं, और जब मैं जानना नहीं चाहता तो आपको बताने का सवाल ही नहीं उठता। अपनी 5 ऐसी कौन सी गलती मानते हो जिसको लगता है आपको 5 ऐसी गलतियां रही जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, ऐसी 5 गलती क्या आप स्वीकार करते हैं और बताना चाहेंगे? अगर मेरे से 5 गलतियां होती तो ना मैं प्रदेश में प्रवक्ता बनता, ना प्रदेश का महामंत्री बनता, ना इतने सारे सरकारी विभागों में सदस्य बनता, ना मैं 6,500 करोड़ रुपए। भैया जी, सबके सवालों पर आप घुमा घुमा रहे हो। सीधी सी बात है कि आपका टिकट कटा चुके, आप प्रदेश के प्रवक्ता हो, आपका टिकट कटा तो उसका बेस क्या था ये जानना चाहते हैं। जितना सारा घुमाने लेकिन कांग्रेस की प्रत्याशी जो आपके सामने हारी उसको दिया गया आपकी बड़ी सवाल आपसे ये है कि टिकट आपका कटा तो उसका कुछ तो कारण रहा होगा। कुछ कारण रहा होगा तो मैंने जानना ही उचित नहीं समझा। जब पार्टी ने निर्णय ले लिया तो फिर मैं क्या बोलूंगा? पार्टी ने एक युवा व्यक्ति को इतना नाम दिया, पहचान दिया, इतना सम्मान दिया,
अगर उसके बाद में अगर कोई बच्चा पिताजी से आर्गुमेंट करता है क्या? कोई करता है कि जिसने सब कुछ दिया उससे आर्गुमेंट का सवाल ही नहीं उठता? मुझे नहीं प्रश्न करना और मुझे नहीं जानना उसमें। राम नांगड़े का करियर क्या है? आप एक आदिवासी विधायक आदिवासी हैं आप, और 34 वर्ष के व्यक्ति से पूछेंगे करियर कहाँ है जिसके राजनीति में अभी 40 वर्ष बचे हुए हैं। अभी तो मेरी शुरुआत हुई है। पन्नाना में जो कैंडिडेट अभी खड़े हुए हैं, क्या उनको जिताने के लिए आप काम करेंगे? क्यों नहीं जिताएंगे? वहाँ विरोध हो रहा है कि कांग्रेस से क्यों नहीं जिताएंगे? किसी को खड़ा किया जाए। छाया मोरे किसी को बुरा लग सकती है, कमल का फूल किसी के लिए बोला। हम कमल के फूल को जिताएंगे और हमारे लिए सबसे सर्वोपरि कमल का फूल है। कैंडिडेट कोई भी हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हम कमल के फूल को जिताएंगे और पंधाना में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। अच्छा, पार्टी में कमल के फूल का ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं था जो छाया मोरे की जगह ले सकता था? आपके विचार से संगठन से नहीं बात? देखिए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सोच समझ करके निर्णय लेता है। कोई सिचुएशन वहां पर ऐसी बनी होगी को मौका दिया और उनको मौका दिया तो वो पार्टी का निर्णय हमने स्वीकार करा है। कांग्रेस प्रत्याशी रूपाली बारे को लेकर क्या कहेंगे? अभी उनका जो है इतना नेम फेम नहीं बचा, क्योंकि उस समय 2018 में अलग सिचुएशन थी। उस समय तत्कालीन एमएलए का काफी विरोध था और वो घर से बाहर निकली। उनके पिताजी 2 बार चुनाव लड़े, उनके प्रति सिंपत्ति थी। और चूंकि जब किसी का खूब विरोध होता है तो कोई भी आकर के खड़ा हो जाता है, एक नेचुरल प्रक्रिया बता रहा हूँ, तो उनको उतना वेटेज मिला। लेकिन उसके बाद वो लगातार ग्राउंड पर नहीं गई। ना कांग्रेस की सरकार के समय जनता से समस्या जानी, ना कोरोना के टाइम पे किसी को देखने के लिए वो अस्पताल गई, ना किसी के लिए फल पहुंचाया, ना किसी के लिए दवाई पहुंचाई, ना किसी के लिए खाना पहुंचाया। घर में बैठ करके मैडम टीवी देख रही थी। अब कोरोना जाने के बाद में उनको पब्लिक के बीच में रहना चाहिए था, लेकिन मैडम जनता के बीच से गायब थी। अब 2 महीने पहले तो उठ करके आ जाओगे और बोलोगे हमको जिताओ, तो जनता भला तुमको क्यों जिता? विधायक जी, एक सवाल ये है आपसे कि केवल आदिवासी सीटों पर देखा जा रहा है कि परिवर्तन हर बार हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो कोई ना कोई सिचुएशन बन रही होगी इसलिए कर रहा है। केवल आदिवासी ऐसी जनरल में नहीं होता है, केवल आदिवासी सीटों पर? मैं भी आंकड़े बुलाता हूँ, उसके बाद ही जवाब दे पाऊंगा। कोई विशेष कारण तो नहीं है, पहले भी 3-3 बार विधायक रहे हैं वहां पे। लेकिन अब चूंकि पार्टी अपने आप को अपडेट कर रही है तो अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियां जब से बनती है, अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए पार्टी अपने आप को अपडेट कर रही है। कुल मिला के आपके टिकट काटने में आपको कोई मलाल नहीं है? यू आर हैप्पी? आप अपने नए अब बिंदास घूमूंगा और पहले से 10 गुना ज्यादा ताकत से मैं घूमूंगा। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि सीएम साहब ने जब बुलाया कि 40-50 लोग आपके बुलाओ मिलाने के लिए, तो मैंने 4 लोगों को फोन लगाया कि 40 लोग मेरे में ना जाओ। 500 लोग आ गए साथ। उस समय दिल को बड़ी खुशी हुई कि बिना पेट्रोल डीजल गाड़ी के भोजन के फिर हमने भोजन कराया उनको, सीएम साहब से मिले सब और वापिस आए। सीएम साहब ने भी सभी का सम्मान करा, हम कोई वहाँ शक्ति प्रदर्शन करने नहीं गए थे, सीएम साहब ने बुलाया था और हम इसलिए सबको लेकर के गए थे। भाजपा का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, वो लोग आ रहे तो उनको भी साथ लेकर के चल रहे हैं। कंक्लूजन क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस का? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन तरह तरह की अफवाहें ना चले, क्योंकि विरोधी तत्व सभी जगह होते हैं। कोई बगावत की अफवाहें उड़ाता है, कोई भीतरघात की अफवाहें उड़ाता है, काम नहीं करेगा ऐसी अफवाहें उड़ाता है। तो मैंने अपना क्लियरेंस दिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी 47 सीटों पर शिद्दत से काम करूंगा। आपका टिकट कटा, आपने आके बोल दिया कि मैं विरोध नहीं करूंगा, लेकिन बाकी जो टिकट और मांग रहे थे बीजेपी से, वो तो सामने आके बोल रहे हैं कि हम, देखो उनकी इच्छा, वो तो जब टिकट मांगने के लिए गए थे तो उनके साथ में उनका समर्थक और प्रस्तावक भी नहीं था।
कैपेसिटी भी तो होना चाहिए। उनसे नितिन गडकरी की सभा में उनको एक एक बस दी थी हमने लाने के लिए कि चलो आप भी टिकट के दावेदार हो तो आप भी संख्या लेकर के आना। अब जिनसे एक बस भरा करके नितिन गडकरी की सभा में नहीं आ रही है वो कह रहे हम विरोध करेंगे। जो टिकट मांगने के लिए जा रहे हैं उनके साथ में वो 8 लोगों के अलावा उनका समर्थक और प्रस्तावक नहीं है तो वो कह रहे हम विरोध करेंगे। ऐसे बोलने से विरोध नहीं होता। विधायक ये बंधाना विधानसभा के लिए क्या विजय जाएगी आपका? बंधाना विधानसभा को मैं विधायक रहूं कि नहीं रहूं मेरा प्रॉमिस है कि जैसे 6,000 करोड़ लाया वैसे बिना पद के 3,000 करोड़ ला करके बताऊंगा। विधायक जी एक बात बताइए कि आप प्रदेश प्रवक्ता एज ए प्रदेश प्रवक्ता आपसे सवाल कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में हर जगह आप बता रहे हो टिकट वितरण के बाद संतुष्टि है भाजपा जीते। क्या बुरहानपुर में भाजपा जीतेगी? क्या पंदाना में भाजपा जीतेगी? क्या मांधाता में भाजपा जीतेगी? मांधाता से नरेंद्र सिंह तोमर के जो सुपुत्र हैं वो निर्दलीय भर रहे हैं। बुरहानपुर के आपको बताइए नंदू भैया के लड़के जो है बुरी तरह से नाराज है। पंदाना में भी विरोध के स्वर आ रहे हैं, वहाँ भी निर्दलीय प्रत्याशी एक दो दिन में आ गए हैं सामने। तो हम सिर्फ खंडवा जिले की हम बात करें तो खंडवा में कोई सामने नहीं आया, लेकिन जहाँ की आ गई है अब तक की बात। मैं आपसे ऐसे प्रदेश प्रवक्ता सवाल करता हूँ कि इतनी जगह जब निर्दलीय लड़ रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबले जहाँ पर बन रहे हैं कैसे हम बोलेंगे कि भाजपा वहाँ पर जीत रही है? आप मेरे को एक बात बताइए, ऐसा कोई एक चुनाव इतने वर्षों में 30-40-50 साल देश की आजादी के बाद आपने कोई जनसंघ से कभी लड़ता था? कोई बसपा सपा कांग्रेस? क्या कोई निर्दलीय कैंडिडेट कभी खड़ा ही नहीं हुआ क्या? एक सामान्य सी प्रक्रिया है, हर चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा होता है। हम बोलने के लिए उसके पास में मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं। कोई टिकट नहीं दिया इसको लेकर के बोलेगा, कोई बोलता है ये कैंडिडेट खराब है इसको लेकर के फॉर्म भरेगा, कोई किसी कारण से फॉर्म भरेगा, कोई कुंठित हो गया इसलिए फॉर्म भरेगा। ये तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। मेरे टाइम में कितने 10-12 लोगों होंगे, 8-1 लोग होंगे, इधर भी फॉर्म भरते हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि बुरहानपुर में पहली बार कोई निर्दलीय फॉर्म भर रहा है, उस समय भी भरे फॉर्म। नेपानगर में कोई पहली बार निर्दलीय फॉर्म भर रहा है, स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। हिंदुस्तान का संविधान सबको अनुमति देता है फॉर्म भरने, जिसको भरना हो वो फॉर्म भरे, जिसको नहीं भरना हो नहीं भरे। हमारा काम उनको मनाने का रहेगा, हम मनाने जाएंगे, वो मानेगा तो उसको सिर पर बिठा लेंगे, नहीं मानेगा तो फिर हम उससे कॉम्पिटिशन करेंगे। अंबेडकर चौराहे पर स्थित पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते हर प्रोडक्ट की खरीद पर एक गिफ्ट एश्योर्ड मिलेगा, वो भी मार्केट से रीजनेबल प्राइस पर। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा दुकान पर विजिट भी कर सकते हैं।